हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स और उनके हेड और इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह पार्ट थ्री है। इससे पहले दो पार्ट मैं 10-10 ऑर्गेनाइजेशन का करवा चुका हूँ। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले नंबर पर यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, WHO की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके हेड टेड्रोस एडहेनम हैं। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड या फिर डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं। इसके बाद WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को हुई थी और WFP का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड डेविड बिजले हैं। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड यानी डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले हैं। इसके बाद ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। इसमें 15 जजेस हैं यानी इसमें 15 जजों का प्रावधान है और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। फ्रेंड्स, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। फ्रेंड्स, ICJ के प्रेसिडेंट जॉन डोंग्यू हैं। इसके बाद WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, WMO की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WMO के प्रेसिडेंट डेविड ग्रिम्स हैं। इसके बाद UNCTAD अनेक्टेड। फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी को हुई थी और अनेक्टेड के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल मुखीशा कितुई हैं। इसके बाद UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके हेड इंगर एंडरसन है।
इसके बाद UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, UNDP की स्थापना 1965 ईस्वी को हुई थी और UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके हेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटर एचिम स्टेनर हैं या फिर एचिम स्टेनर हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।